हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब का चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज 10 पीसी के अंदर हाई पिंग को फिक्स कर सकते हैं सिस्टम लेवल पे। मैंने सिस्टम लेवल क्यों कहा फ्रेंड्स, इस बात को हम जानते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपको ISP द्वारा अच्छी इंटरनेट स्पीड भी मिलती है, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी बैंडविड्थ देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है आपके सिस्टम पे पिंग जो है हाई देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को, सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आ गए हैं फ्रेंड्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आपको फोल्डर देखने को मिलेगा विंडोज सिस्टम नाम का। यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा, इसको आपको रन करना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके। फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसे रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके रन नहीं कीजिएगा तब तक जो है कुछ कमांडें जो है वर्क नहीं करेगी। इस वीडियो में मैं टोटल आपके साथ 5 कमांड्स शेयर करूंगा। तो सबसे पहली कमांड है फ्रेंड्स ipconfig/flushdns। ऐसा करने से आपका DNS जो है फ्लश हो जाएगा। अब इस कमांड को सक्सेसफुली रन होता ही आपको सेकंड कमांड डालनी है ipconfig register DNS। इससे आपका DNS जो है रजिस्टर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर जो है नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तब ये कमांड्स जो है ठीक से वर्क करेंगी। अब आपको अपने IP एड्रेस को रिलीज करना है, जिसकी कमांड है ipconfig/release। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने अपना IP एड्रेस को रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दोबारा कमांड डालनी है ipconfig/renew। इससे आपका IP एड्रेस जो है रिन्यू हो जाएगा। रिन्यू होने के बाद देख सकते हैं आपकी नेटवर्क एडेप्टर की जितनी भी डिटेल्स हैं सब कुछ अब शो होगी। मैं इस टाइम वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, इसे मेरा वायरलेस लैन एडेप्टर जो है वाईफाई दिखा रहा है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लगभग शो हो गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट और जो फाइनल कमांड है, अब आपको क्या करना है, अपने विंडशॉक को रिसेट करना है। उसके लिए कमांड है netsh /windshock/reset। ये सारी कमांडें फ्रेंड्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख के यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड को एंटर करते ही ये कमांड देखिए सक्सेसफुली जो है अपने सिस्टम में जो है परफॉर्म हो गई है। आप यहां पे देख सकते हैं, अब आपका कंप्यूटर जो है रीसेट करने के लिए बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को रीसेट करना है और दोबारा ऑन करना है। दोबारा ऑन करने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है और उसमें जो है पिंग जो है पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी जो पिंग आपको पहले 800, 900, 600 के करीब जा रहा था, वही पिंग अब आपको 100, 200 के समथिंग जो है देखने को मिलेगा। यानी पहले के मुकाबले आपको काफ़ी अच्छा पिंग जो है देखने को मिलेगा, कम से कम पिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमांड्स याद रखिएगा और ये कमांड हो सके तो कहीं आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।